मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर बालसाड एक्सप्रेस की एक बोगी में ब्लास्ट होने से एक आरपीएफ जवान की मौत हो गई। बोगी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी। आरपीएफ की टीम आग पर काबू पाने में जुट गई। उसी वक्त कांस्टेबल विनोद कुमार छोटा फायर सिलेंडर लेकर आग बुझाने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान फायर सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। हादसा इतना भीषण था कि विनोद कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। रेलवे की टीम ने विनोद कुमार को अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि बालसाड एक्सप्रेस सोमवार की सुबह 6:30 बजे मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर आ गई थी। कुछ देर बाद ट्रेन की 8-10 बोगी के शौचालय में आग की लपटें निकलने लगी। आग की सूचना रेलवे और आरपीएफ की टीम यहां पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। आरपीएफ के जवान विनोद कुमार भी आग पर काबू पाने के लिए पहुंचे। उन्होंने फायर सिलेंडर से आग पर काबू पाने की कोशिश की। एक फायर सिलेंडर खत्म हो गया, लेकिन आग की लपटें कम नहीं हुई। इसी बीच उन्होंने दूसरे फायर सिलेंडर से आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। सिलेंडर का लॉक जैसे ही खोला, वैसे ही सिलेंडर ब्लास्ट कर दिया। इसमें विनोद कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। आरपीएफ ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। आरपीएफ के अनुसार कांस्टेबल विनोद कुमार आरा नगर क्षेत्र के रहने वाले थे। 2 साल से मुजफ्फरनगर आरपीएफ पोस्ट में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। टीम ने उनके परिवार को सूचना दे दी है। घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है।